दिस इज द ऑल न्यू इंस्टा 360X3, एक ऐसा एक्शन कैमरा जिससे आप पॉसिबली कोई भी एंगल अचीव कर सकते हो एडिटिंग में जाके। बेसिकली आपको इस कैमरा को एक स्टिक पे या अपने हैंड में पकड़ना है और कहीं भी किसी भी पाथ में या कोई भी एक्टिविटी कर सकते हो और एडिटिंग में जाके एनी पॉसिबल एंगल, चाहे वो 360 हो, चाहे एक स्पेसिफिक एंगल हो, चाहे रीफ्रेमिंग हो, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। टॉकिंग अबाउट द रेजोल्यूशन, इंस्टा 360X3 में आप अप टू 5.7K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो एट 30 FPS। अगर आपको 60 FPS पे चाहिए देन यू कैन शिफ्ट टू 4K, और अगर आपको 100 FPS चाहिए तो आप 2.7K उससे नीचे जा सकते हो। तो बेसिकली इस कैमरा में अगर आप देखोगे दो अलग अलग कैमरास लगे हुए हैं जो बेसिकली 180 डिग्री एंगल्स को कवर करते हैं, थोड़ा सा ज्यादा 180 डिग्री से। और होता क्या है कि दोनों से जो फुटेज रिकॉर्ड हो रही है उसको स्टिच करके एक सिंगल फुटेज की तरह आउटपुट दिया जाता है। टॉकिंग अबाउट द कैमरास, दोनों ही साइड 1/2 इंच का सेंसर लगा हुआ है, विच इज एक्चुअली वेरी बिग फॉर एन एक्शन कैमरा या 360 डिग्री कैमरा। टॉकिंग अबाउट द रेजोल्यूशन, 48 मेगापिक्सल के सेंसर्स हैं, और अगर आप फोटोज लेते हो तो आप अप टू 72 मेगापिक्सल की 360 डिग्री फोटोज इससे कैप्चर कर सकते हो। तो ये तो हो गया स्पेसिफिकेशन। अब थोड़ा सा हम बाहर आए आउटडोर्स, इससे कुछ फुटेज लेते हैं, कुछ सैंपल लेते हैं एंड देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है। आप जैसे झाड़ू पकड़ा ना, बस डंडी डाल दो यहाँ बीच में, ऐसे पकड़ो झाड़ू के साथ। हाँ, बस अब ऐसी झाड़ू मार लो, बस आएगा उसमें। अब एक चीज़ जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी इंस्टा 360X3 में, वो है दी ऑल न्यू टच स्क्रीन, जो पिछले वर्जन में नहीं था, इस बार इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। और एज अ क्रिएटर या अगर मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मेरे लिए काफ़ी इजी हो जाता है कि हर बार मुझे फ़ोन नहीं चाहिए इसको कंट्रोल करने के लिए। मैं टच स्क्रीन से इसके मोड्स चेंज कर सकता हूँ, रेजोल्यूशन चेंज कर सकता हूँ, इवन अगर मुझे एक्शन कैमरा टू 360 डिग्री मोड्स में स्विच करना है वो भी स्क्रीन से हो सकता है। तो बेसिकली है कि आपको अगर कुछ शूट करना है, बार बार अपना फ़ोन लेके उसको सेटिंग्स वगैरह चेंज नहीं करनी, स्क्रीन से ऑलमोस्ट एवरीथिंग कैन बी कंट्रोल्ड ईजिली। अब अगर आप एक वीडियो क्रिएटर हो, कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब हम रिकॉर्ड करते हैं, कुछ चीज़ मिस हो जाती है, तो उसके लिए एक मुझे बहुत सही मोड लगा प्री रिकॉर्डिंग का। तो अगर मैं यहाँ स्वाइप डाउन करता हूँ, मुझे एक ऑप्शन मिलता है प्री रिकॉर्डिंग का, जहाँ बेसिकली मुझे दो ऑप्शंस मिल रहे हैं, 15 सेकंड का और 30 सेकंड का। तो मान लेते हैं अगर मैं 15 सेकंड करके प्री रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ, तो अब जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा तो उससे 15 सेकंड पहले का क्लिप ये ऑटोमेटिकली मुझे फाइनल फुटेज में दे देगा। तो इसका बेनिफिट ये है कि अगर कुछ भी ऐसा मोमेंट है जो मुझे अच्छा लगा, हो सकता है कि उससे पहले कुछ हुआ हो 10 सेकंड पहले, तो वो भी क्लिप मेरे पास फुटेज में आ जाएगी और उसको मैं सोशल मीडिया या कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ। तो अभी इसको एक्सप्लोर करते हुए मैंने देखा बॉटम लेफ्ट में एक आइकन है, जिसको मैं अगर प्रेस करता हूँ तो बेसिकली ये ड्यूल विंडो ऑप्शन आ जाता है, जहाँ फ्रंट और बैक दोनों व्यूज़ मैं ले सकता हूँ, और जो मेन व्यू है उसको स्लाइड करके मैं कोई भी एंगल चूज़ कर सकता हूँ। तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगा, कुछ डिफरेंट है। बट एक चीज़ मैं पॉइंट आउट कर दूँ, जो ये वीडियो रिकॉर्ड होगी दिस इज़ 4K एट 30 FPS, तो ये वाला जो वीडियो है ये 5.7K पे नहीं आएगा। अभी जो कैमरा है ये 360 डिग्री कैमरा तो है ही, बट इसको हम एज एक्शन कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं, और मुझे काफ़ी सही चीज़ लगी। बेसिकली यहाँ बॉटम राइट में जो बटन है, इसको अगर मैं सिंगल प्रेस करता हूँ तो ये क्या करेगा, 360 डिग्री से तो इसको इनर सिंगल लेंस करके दिखाता है, तो बेसिकली मैं एक्शन कैमरा मोड में आ जाता हूँ। और वापस अगर मैं सेम बटन प्रेस करूँगा तो क्या होगा, बैक कैमरा कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ काफ़ी सही लगा मुझे कि भाई 360 डिग्री कैमरा तो हम यूज़ कर ही सकते हैं, बट मान लेते हैं हर बार आप वो इफेक्ट नहीं चाहते, आप एक्शन कैमरा इफेक्ट चाहते हो, तो ये मुझे भी पहले इस तरह के कैमरा में मिसिंग लगता था। बट अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको एज एन एक्शन कैमरा भी यूज़ कर सकता हूँ, फ्रंट टू बैक मेरे पास ऑप्शन है, मैं बटन प्रेस करके स्विच कर सकता हूँ एंड आई कैन रिकॉर्ड द वीडियोस। बट हाँ, एक चीज़ ध्यान रहे, इसमें मैक्सिमम 4K 30 FPS तक मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मैं एक्शन कैमरा मोड में शूट कर सकता हूँ, जैसे आप देख सकते हो कि दिस इज़ जस्ट लाइक एनी एक्शन कैमरा, GoPro या कोई भी हो, इस तरीके के एंगल ऑफ व्यू मुझे मिल जाता है। बट एक चीज़ मुझे लग रहा है कि रिकॉर्ड करते हुए मैं फ्रंट बैक में स्विच नहीं कर सकता, एंड इवन जो अभी मुझे प्रीव्यू दिख रहा है ना, वो थोड़ा अटक अटक के आ रहा है जितना मैं देख पा रहा हूँ। आई होप सॉफ्टवेयर अपडेट से ये चीज़ और बेटर हो सकती है। अब यहाँ एक्शन कैमरा मोड में अगर मैं रेजोल्यूशन पे जाता हूँ, इंटरेस्टिंगली मैं 4K पे शूट तो कर सकता हूँ, बट अगर मैं FOV+ पे जाता हूँ, बेसिकली क्या करेगा, ये एंगल ऑफ व्यू को थोड़ा और ज़्यादा वाइड कर देगा। बट यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि फ्लो स्टेट स्टेबलाइजेशन ये सब अप्लाई नहीं होगा, वो मुझे एडिटिंग में करना पड़ेगा, बट रेजोल्यूशन मेरा 2.7K में चले जाएगा। बट हाँ, अगर आप अल्ट्रा वाइड एंगल टाइप इफेक्ट देना चाहते हो, आप 2.7K में शूट कर सकते हो। और पहले मुझे लग रहा था कि ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन में रिकॉर्ड होता है, बट अगर मैं इसके अंदर सेटिंग्स में जाता हूँ
तो मुझे एस्पेक्ट रेशियोज में 16:9 और 9:16 दोनों ऑप्शन मिलते हैं। तो इस तरीके से मैं वर्टिकल ओरिएंटेशन में कुछ सैम्पल निकाल सकता हूँ एंड डायरेक्टली अगर मैं इंस्टाग्राम या रील्स या कहीं भी यूज़ करना चाहता हूँ इसको कर सकता हूँ, कुछ एडिटिंग की ज़रूरत नहीं है। एंड स्ट्रेट आउट ऑफ दिस कैमरा मैं इस वीडियो को यूज़ कर सकता हूँ एट हाई रेजोल्यूशन और एक्सपोजर वगैरह आप देख सकते हो कैसे मैनेज कर रहा है। पर जब हम लोग इसको वर्टिकल ओरिएंटेशन में टेस्ट कर रहे थे तो एक चीज़ एनालाइज करी कि जब तक आप 30 FPS में शूट कर रहे हो ये 9:16 वर्टिकल में शूट करेगा, जैसे ही आप 60 FPS या 50 FPS पर चले जाते हो वो डिफ़ॉल्ट हॉरिजॉन्टल पे शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर आप स्लोमो वर्टिकल में रिकॉर्ड करना चाहते हो एज ऑफ नाउ इस कैमरा में वो पॉसिबल नहीं है, सिर्फ 30 FPS तक ही ये लिमिटेड है वर्टिकल पे। पर हाँ अगर आप FOV+ मोड पे स्विच कर लेते हो जो अल्ट्रा वाइड एंगल है वहाँ पे आप वर्टिकल में 60 FPS पे शूट कर सकते हो। देन इसमें एक नी मोड भी है। अब नी मोड में क्या है, बेसिकली मैं इसको एक स्टिक पे पकड़ सकता हूँ इस तरीके से और चल सकता हूँ। उसके बाद क्या होगा, इस स्टिक को ऑटोमेटिकली गायब कर देगा और मुझे फोकस में रखेगा एज दिस ब्रांड क्लेम्स। अभी हम इसका सैंपल लेते हैं, लेट्स चेकआउट ये फीचर कैसे काम करता है। तो अब मैं एक सैंपल ले रहा हूँ मी मोड में जहाँ पे मैं स्टिक लेके वॉक कर रहा हूँ, तो आउटपुट आपको दिख जाएगा कैसा आ रहा है। इसको बेसिकली मैंने एकदम सामने स्ट्रेट पकड़ा हुआ है बिकॉज प्रीव्यू में मुझे वैसे ही दिखा रहा था, बट जस्ट टू चेक अगर मैं इसको लिफ्ट करता हूँ तो अभी प्रीव्यू में मुझे मेरा फेस नहीं दिख रहा, नॉट श्योर वो फाइनल फुटेज में आते हैं कैसे होता है, बट जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड मैं इसको ऐसे लेके चल रहा हूँ। तो अभी हम एक लाइक अंडर पास में जा रहे हैं तो मुझे देखना था भाई हाईलाइट से शेडोज जब मैं मूव कर रहा हूँ तो ये कैसे करता है। पर अभी आप देख रहे होगे इसका स्टिक आइडियली ये गायब कर रहा होगा, तो ऐसा कुछ इफेक्ट होगा कि मेरे आगे कोई कैमरा चल रहा है। तो ऑल दो इट्स जस्ट दिस एक्शन कैमरा वर्किंग ओवर हियर, बट कैसा सैंपल आ रहा है वो देखते हैं। बट हाँ एक चीज़ पॉइंट आउट कर दूँ, अगर मैं मी मोड में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैक्सिमम रेजोल्यूशन 1080p है जो मुझे लग रहा है, बिकॉज 5.7K तक इसका मैक्सिमम रेजोल्यूशन है, तो 1080p थोड़ा कम हो गया। 4K तक होता तो ये फिर भी यूजेबल क्वालिटी बन सकती थी। तो इसमें एक एक्टिव HDR मोड है, बेसिकली लाइक Insta360 क्लेम कर रहा है कि बहुत बढ़िया HDR हो जाएगा। HDR बेसिकली मैं शेडो हाईलाइट्स से अगर मूव कर रहा हूँ या एक्सपोजर चेंज हो रहा है उसको कंट्रोल करने की बात हो रही है। तो जल्दी से मैं सैंपल ले रहा हूँ ऑन एंड ऑफ करके, देखते हैं कि डिफरेंस आता है या नहीं आता। टॉकिंग अबाउट दी फोटो मोड, इसमें अब बेसिकली दो ऑप्शन मुझे मिलते हैं। एक बाय डिफॉल्ट 18 MP पे फोटोज लेता है, बट आई गेट दी ऑप्शन कि मैं 72 MP मोड पे भी जा सकता हूँ। और उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो अभी हमने ऑब्जर्व किया वो ये है कि फोटो लेने के बाद 20-30 सेकेंड ऑलमोस्ट ये ले रहा है एक फोटो को प्रोसेस करने के। तो अगर आप हाई रेजोल्यूशन में फोटोज लेना चाहते हो ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि उतना गैप आएगा कि आप उससे पहले दूसरी फोटो ले सको। 18 MP में एज सच कोई ये इशू नहीं है, बट अगर मैं HDR फोटो मोड पे जाता हूँ तो वहाँ मैं सिर्फ 18 MP पे ले सकता हूँ। 72 MP पे HDR का एज सच कोई ऑप्शन नहीं है। एंड वन मोर थिंग, अगर मैं इसको एक्शन कैमरा मोड पे स्विच करता हूँ फोटोज़ के लिए तो द हाईएस्ट रेजोल्यूशन इज 36 MP, जो 72 MP है वो 360° मोड में है। तो अगर मैं स्टैंडर्ड मोड में ले रहा हूँ मेरे पास ऑप्शन है 9 MP एंड 36। अब अगर इसके बैटरी परफॉर्मेंस की बात की जाए, वैसे ऑनेस्टली आपको 1 से 1.5 घंटा का बैकअप मिलेगा जब आप आउटडोर रेगुलरली शूट कर रहे हो, विच इज़ डिसेंट इनफ कंसिडरिंग की 5.7K पे ये 360° वीडियो निकाल रहा है। बहुत चीज़ें हो रही होती हैं इंटरनली जब इतना हैवी डेटा रिकॉर्ड हो रहा होता है, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था विद X3 की एटलीस्ट 2 घंटे तक अगर बैटरी चलता तो कहीं ना कहीं अगर आप इसको विद सिंगल बैटरी कंसिडर कर रहे हो आप यूज़ कर सकते थे। बट स्टिल इट्स अ गुड ऑप्शन, आप एक्स्ट्रा बैटरी में इन्वेस्ट कर लो, एक बैटरी और ले लेना अगर आप ट्रैकिंग या ट्रैवलिंग प्लान कर रहे हो विद दिस X3। तो अगर आप ऑलरेडी Insta360 1X2 यूज़ कर रहे हो तो X3 में कुछ ऐसे डिफरेंसेज हैं जो मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ। सबसे पहला है ऑब्वियसली डिस्प्ले, आप देख सकते हो यहाँ एक छोटा सा सर्कुलर डिस्प्ले है, जबकि X3 में जो डिस्प्ले है पहली चीज़ काफ़ी बड़ा है, टच स्क्रीन है, एंड एट द सेम टाइम मैं शूट करते टाइम ही प्रीव्यू कर सकता हूँ, मुझे फ़ोन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो एक मेजर डिफरेंस मुझे लगा। उसके अलावा सेंसर साइज 2 times बिगर है X3 में, तो लो लाइट में डिफरेंस है। और एक और मेजर डिफरेंस जो मुझे लगा वो है HDR परफॉर्मेंस। तो अगर आपको चाहिए वाइब्रेंट स्काइज, एकदम वाइब्रेंट बिल्डिंग्स और आपको एडिटिंग में ज़्यादा कुछ नहीं करना, तो X3 वहाँ पे थोड़ा सा बेटर आउटपुट आपको देगा इवन इन डायनामिक रेंज। और अगर आप 360 फोटोज़ लेना चाहते हो तो मेगापिक्सल काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ है, रेजोल्यूशन
72 MP तक आप 360 फोटोज ले सकते हो, 36 MP में आप अगर नॉर्मल 4K में ले रहे हो, वेरियस इसमें 18.2 18.3 है। तो अगर आपको हाई रेजोल्यूशन फोटोज चाहिए देन वो भी एक कहीं ना कहीं अपग्रेड हो चुका है, अदरवाइज ऑलमोस्ट सिमिलर है। मैं बोलूँगा अगर आप एज अ हॉबी क्रिएटर आप 360 वीडियोस फन के लिए शूट करना चाहते हो, फोटोज लेना चाहते हो, X2 इज ऑल्सो गुड ऑप्शन, बट अगर आपका बजट अलाउ करता है देन यू कैन श्योरली गो फॉर Insta360X3। वन जो वर्ड है वो बीच से हटा दिया गया है। प्राइस की अगर मैं बात करूँ आई थिंक MRP इसका 50,000 के आसपास है, जितना मैंने ऑनलाइन देखा है 45,000-46,000 का ये अभी अवेलेबल है। तो इस प्राइस पे अगर आप एक ऐसा एक्शन कैमरा देख रहे हो तो 360 भी रिकॉर्ड करे, साथ ही साथ आपको एक्शन मोड का भी एक ऑप्शन मिल जाता है कि यार आप 4K में रिकॉर्ड करना चाहते हो, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों। तो अगर आप एक कॉम्बिनेशन देख रहे हो देन दिस प्राइस दिस इज अ गुड ऑप्शन। बाय लिंक इसका जो होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन चेक दैट आउट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।